नमस्कार, आज मैं आपको ये मसाला मठरी बनाना बताऊंगी। ये जितनी देखने में खूबसूरत लग रही है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसका क्रिस्पी मसालेदार फ्लेवर जो होता है बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे बहुत दिनों तक रख के खा सकते हैं। कहीं सफर में जा रहे हैं लंबे सफर पे तो आप इसे बना के ले जाएं, बस अचार के साथ इसे खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और इसे आप एक महीने तक रख के खा सकते हैं, खराब नहीं होती। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं ये मसाला मठरी कैसे बनाते हैं। ये मसाला मठरी बनाने के लिए हमने एक कप मैदा लिया है, एक ही कप हमने ये बेसन लिया, एक कप मैदा एक कप बेसन। तो चलिए हम इसमें मसाले मिला लेते हैं। ये मैदे में हम मिलाएंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन, हल्का सा हाथ से इस तरह से मसल के मिलाएंगे तो फ्लेवर बढ़ जाएगा। स्वाद अनुसार नमक मिला लेते हैं हम, एक छोटा चम्मच नमक हम इसमें डाल रहे हैं। साथ ही में हम बस इसमें बेसन में भी मिला देते हैं नमक। ये कसूरी मेथी हमने एक बड़ा चम्मच ली है, इसे हम बेसन में मिलाएंगे। ये मैदे में हमें बस अब ऑयल मिलाना है। बेसन में हम सारे मसाले मिला लेते हैं। आधा छोटा चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, एक चम्मच हम इसमें ये धनिया पाउडर, आधा चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं, आधा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, एक चौथाई चम्मच हम इसमें हींग डाल रहे हैं, एक चम्मच हम इसमें एक कुटी हुई सौंफ, दरदरी से पिसी हुई सौंफ हम इसमें डाल रहे हैं, आधा चम्मच हम इसमें चाट मसाला डाल रहे हैं। बस इतने मसाले हमने इसमें मिला दिए हैं। अब हम इसमें तेल मिलाएंगे, तो हम मैदे में मिलाएंगे एक चौथाई कप तेल। आप घी भी मिला सकते हैं, मेल्ट करके घी इसमें डाल सकते हैं। एक चौथाई कप से हम थोड़ा तेल कम जो है वो बेसन में डालना है, अगर बाद में जरूरत होगी तो हम और डाल लेंगे। अब हम मैदे में से अच्छे से तेल को मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से तेल हमारा मैदे में मिक्स हो गया है। इस तरह से हम गोला बनाएंगे तो ये टूटेगा नहीं, इसका मतलब है कि अच्छा मोहन हमारा मैदे में मिक्स हो गया है। अब इसमें हम पानी मिला के थोड़ा हार्ड सा कड़ा सा आटा गूंद लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटे को हम गूंद के तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा अच्छा सा कड़ा सा थोड़ा आटा गूंद गया है। इसे हम अलग रखते हैं और बेसन को गूंद लेते हैं। तो बड़े ही बाउल में हम ये बेसन भी डाल लेते हैं और पहले हम इसमें सारे मसाले और तेल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर कम हमें लगेगा तेल तो हम थोड़ा तेल इसमें और मिलाएंगे। अभी हमें थोड़ा सा तेल कम लग रहा है, हमने एक चौथाई कप से कम तेल डाला था, तो जो बचा हुआ तेल है वो भी हम इसमें डाल देते हैं। पूरा एक चौथाई कप तेल हमने इसमें भी डाल दिया। ये देखिए अब एकदम सही है। अब इसमें हम पानी डाल के गूंद लेते हैं। तो बेसन में हमेशा थोड़ा थोड़ा सा पानी डालें, चाहे तो चम्मच से डालें, क्योंकि बेसन जो है पानी बहुत कम सोखता है, अगर ज्यादा डाल देंगे तो एकदम से गीला हो जाएगा। ये देखिए हमारा बेसन भी थोड़ा सा ही हार्ड सा हमने गूंद लिया है। ये दोनों आटे को हम हल्के गीले कपड़े से ढक के 10-15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। उसके बाद हम इससे मठरी बेलना शुरू करेंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और ये अच्छा से सेट हो गया आटा। अब हम इसकी लोई बना लेते हैं। तो हम मैदे से तीन लोई बनाएंगे, बड़ी बड़ी सी तीन लोई हम इसके बना लेते हैं। ऐसे ही बेसन की भी बना लेते हैं। ये देखिए आटे और बेसन हमने दोनों से बराबर की तीन लोई बना ली हैं। अब लोई को हम गोल करके और इस तरह से गोल कर लेंगे। ऐसे हम इसे प्लेटफॉर्म पे ही बेल लेते हैं, क्योंकि हमें काफी बड़ा इसे बेलना है। अगर आपके पास बड़ा सा बोर्ड या बड़ा सा चकला है तो आप उसे बेल सकते हैं। हम इसे प्लेटफॉर्म पे ही बेलेंगे। बेसन के भी इसी तरह से गोल कर लेते हैं, जितना बड़ा हमने मैदा का लोई बनाया उतनी बड़ी। ये देखिए हमने इस तरह से सारी लोई हम बना लेते हैं इस तरह से। ये देखिए सारी हमने बना ली है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों लोई के बीच में हमें थोड़ा सा पानी लगा देना है, जिससे ये चिपकी रहे बेलते समय, एक दूसरे से अलग ना हो। इस तरह से पानी लगा दिया हमने और इसे चिपका लेते हैं। सारी लोई हम इसी तरह से चिपका लेंगे। सब में इसी तरह से पानी लगा लेते हैं और इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम इसे हाथ से बढ़ा लेते हैं, तो ये बेलने में आसानी होगी हमें। अब हम प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और इसे हम प्लेटफॉर्म पे ही बेल लेते हैं। हल्के हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे। देखिए
दोनों को एकदम बराबर ऐसे चिपका हुआ है। ये देखिए कितनी आसानी से ये बेल गया। अब हम इसमें बेसन के साइड में थोड़ा सा हम ये पानी लगाएंगे, जिससे ये जब हम इसे रोल करें तो ये अच्छे से चिपक जाए। एकदम पतला पतला हमें इसे रोल करना है। बिल्कुल ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से ये रोल हो जाता है। बस हल्का सा एक बार उठाएंगे और ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए कितनी आसानी से ये एकदम अच्छे से रोल हो गया। अच्छे से हम इसे रोल कर लेते हैं इसे फ्लोर पे, जिससे ये अच्छे से चिपक जाए। अब हम इसके आधा आधा इंच पतले टुकड़े काट लेते हैं। ये देखिए लग रहा है ना कितने सुंदर लग रहा है। ये सारे हम इसी तरह से काट के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए सारे आटे से हमने बेल के और ये लोई काट के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे तलना शुरू करेंगे। तो हमने तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। आप चाहें तो इसे इसी तरह से इतना मोटा ही तल लें, लेकिन ऐसे तलने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये मोटा रहेगा तो देर लगेगी। हम इसे हल्का सा बस बेलेंगे, दो बार ऐसे बेलन इस पे घुमाएंगे और बस तैयार। ये देखिए चाहे तो इस तरह से हाथ से दबा दबा के भी डाल सकते हैं, जैसे भी आपको आसान लगे। इस तरह से हाथ से फैला के डाल सकते हैं, जैसे भी आपको आसान लगे डाल सकते हैं। हम तेल गरम हो गया है, इसमें थोड़ा सा आटा डाल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए तेल गरम हो गया। हमें इसे बहुत तेज आंच नहीं करनी है, आंच हमने धीमी कर दी है। और अब हम इसमें ये मठरी डाल देते हैं। धीमी धीमी आंच पे हम इसे तलेंगे। धीरे धीरे से इसे पलट पलट के हम सब तरफ से एकदम अच्छा सुनहरा हो जाने तक तल लेंगे। कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। ये मठरी हमारी हो गई है, निकाल लेते हैं। बाकी की पे हम इसी तरह से सारी मठरी तल के तैयार कर लेते हैं। ये हमारी मसाला मठरी बन के तैयार हो गई है। कितनी सुंदर ये मठरी बन के तैयार हुई है, उतनी ही ये क्रिस्पी और टेस्टी भी है। आप भी इसे बनाइए और खाइए, सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।